हेलो जहान दोस्तों, कैसे हो? आज लेकर आया हूँ इंडियन आर्मी अग्निवीर जीडी ट्रेडमेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके और जीएस 20 क्वेश्चन। तो दोस्तों देख लीजिए, ये सभी के सभी पीवीआर सीआर में पूछा गया, वही ओरिजिनल पेपर से उठाकर लेकर आया हूँ, क्योंकि इंडियन आर्मी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पीवीआर सीआर से ही रिपीट होता है, इसीलिए हमारा चैनल में डेली के डेली पीवीआर सीआर का क्वेश्चन कराता है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा तरह इसी 20 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, जिस बंदा 23 एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो उसके लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत ही अच्छा तरह इसी पेपर पढ़ लीजिए। और जिस बंदा हमारा चैनल में नया हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि इसी तरह डेली के डेली क्वेश्चन मिलता रहेगा इसी चैनल में। तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। तो दोस्तों देख लीजिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन में आ गया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका 15 जनवरी एग्जाम में पूछा गया था। ये क्वेश्चन कोई बंदा 15 जनवरी एग्जाम में एग्जाम दिया तो उसको साथ बता लेना ये क्वेश्चन पूछा गया कि नहीं, 100% पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो दोस्तों देख लीजिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। देख लीजिए अरुणाचल प्रदेश का राजधानी का नाम क्या है, बता दीजिए चार ऑप्शन में, सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जिस बंदा ऑप्शन ए को चुना, ईटानगर को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। देख लीजिए भारत में पहले जो प्रधानमंत्री कौन थे, बता दीजिए चार ऑप्शन में, सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों भारत का सबसे पहले जो प्रधानमंत्री थे वो थे ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू जी, ऑप्शन सी होगा सही आंसर। और सबसे पहले प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति कौन थे, वो थे राजेंद्र प्रसाद, ये भी जानकारी रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसरो लोकेटेड हुई सिटी। देख लीजिए इसरो कहाँ स्थित है, कौन से शहर में स्थित है, बता दीजिए चार ऑप्शन में, सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पे कहाँ होगा, तो दोस्तों यहाँ पे कौन से शहर में स्थित है, बता दीजिए चार ऑप्शन में, सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो आपका स्थित है ऑप्शन सी बेंगलुरु में, ऑप्शन सी बेंगलुरु होगा सही आंसर, कर्नाटका में स्थित है इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन। तो दोस्तों कान्हा नेशनल पार्क लोकेटेड, देख लीजिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। जो बंदा 2022-23 में अग्निवीर का एग्जाम दिया था और उसका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होया, कुछ नंबर से वो छट गया, कोई टेंशन का बात नहीं है, और भी वैकेंसीज आएगा उसके लिए इसी मंथ या इसका नेक्स्ट मंथ में आपका वैकेंसी निकल जाएगा। तो दोस्तों अग्निवीर का पहले एग्ज़ाम होगा ऐसे ही बता रहा है, तो दोस्तों ज़बरदस्त तैयारी करो, इस बार तो 100% आपका क्लियर हो जाएगा एग्ज़ाम। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा तरह तैयारी करो, और जिस बंदा अग्निवीर का तैयारी कर रहे हो उसके लिए तो हमारा चैनल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर सब्सक्राइब करके अभी क्या सब्सक्राइब करो, हाँ कर दिया तो जुड़ गया, तो डेली के डेली इसी तरह ही पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कहाँ स्थित है बता दीजिए चार ऑप्शन में, सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जिस बंदा ऑप्शन डी को चुना, मध्य प्रदेश को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेयर डज सिल्क कम फ्रॉम। देख लीजिए रेशम कहाँ से प्राप्त होता है, बता दीजिए चार ऑप्शन में, सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जिस बंदा ऑप्शन ए को चुना, सिल्क रॉम को चुना, जो रेशम कीट होता है उससे मिलता है सिल्क, रेशम मिलता है रेशम कीट से, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड। देख लीजिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, डे से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन जरूर आता है आपका पेपर में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, बता दीजिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेटेड कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जिस बंदा ऑप्शन ए को चुना, 5 जून को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले जिस बंदा 2023 के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो उसके लिए पीडीएफ लॉन्च हो गया है, इसी पीडीएफ के अंदर है 2015 से लेकर 2020
थ्री के अंदर 2023 के अंदर जितने भी ओरिजिनल पेपर हुआ वो सभी इसके अंदर रहेगा। कोई भी एयरो से हो सभी एयरो का मिल जाएगा। एयरो जालंधर, एयरो पानीपत, एयरो जम्मू श्रीनगर, एयरो बहरमपुर, बैरकपुर, कलकत्ता, सभी एयरो का मिल जाएगा। एयरो नारंगी, सिलचर, और कोई बंदा आपका नर्सिंग असिस्टेंट का तैयारी कर रहे हो, 26 फरवरी में एग्जाम है, उसके लिए PDF लॉन्च हो गया है, तो दोस्तों जरूर ले लीजिए। और जिस बंदा A6R का क्वेश्चन लेना चाहते हो आपका ERO का, तो दोस्तों जरूर इसी नंबर पे कॉल कीजिए। 6R का क्वेश्चन हमारा टीम लेकर आया है आपका पास, तो दोस्तों उसका कीमत 99 रुपया है, आप पेमेंट करके ले सकते हो। पेमेंट प्रोसेस सभी जानकारी इसी नंबर पे मिल जाएगा, तो दोस्तों जरूर कॉल कीजिए और सभी जानकारी लेकर आप पेमेंट करके ले सकते हो। तो दोस्तों जरूर कॉल कीजिए और ले लीजिए। तो दोस्तों एक बार PDF दिखा देता हूँ किस तरह है। तो दोस्तों PBRCR में इसी तरह ओरिजिनल पेपर पूछा जाता है। यही ओरिजिनल पेपर कोई बच्चा अच्छा तरह PBR आपका ERO का पढ़ लिया, या सेंटर भर्ती या रिलेशन भर्ती का कोई बच्चा तैयारी कर रहे हो वो पढ़ लिया, तो आपका एग्जाम 100% क्लियर हो जाएगा। इसीलिए यही क्वेश्चन हम PDF में कन्वर्ट कर दिया टाइपिंग करके। तो दोस्तों आपका ERO का कोई भी ERO से हो आपका सभी, ये देखो दानापुर का है, इसी तरह आपका दानापुर, मुजफ्फरपुर, कटिहार, सभी का बना दिया। तो दोस्तों जरूर कॉल करके ले लीजिए। तो दोस्तों इसी नंबर पे कॉल करना होगा, पेमेंट प्रोसेस सभी जानकारी मिल जाएगा, सभी जानकारी PDF का जानकारी सभी मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी कॉल कीजिए और ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑथर ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया, देख लीजिए भारत की खोज के लेखक कौन है बता दीजिए, चारों ऑप्शन में से आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हमारा स्टूडेंट है वो तो देखकर ही बता दिया, जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा था भारत का खोज का लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा सिटी बैंक ऑफ व्हिच रिवर, देख लीजिए आगरा शहर किस नदी के तट पर किनारे में स्थित है बता दीजिए, चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जिस बंदा ऑप्शन बी को चुना, जमुना को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लार्जेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, देख लीजिए सौर जगत में आपका मंडल में सबसे बड़ा ग्रह का नाम क्या है बता दीजिए, चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जिस बंदा ऑप्शन बी को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, देख लीजिए ध्वनि की चाल अधिकतम होता है, कहाँ अधिकतम होता है बता दीजिए, चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जिस बंदा ऑप्शन यहाँ पे सबसे ज्यादा चलता है स्पीड, ये सॉलिड में चलता है, ठोस में, ऑप्शन डी होगा सही आंसर, ठोस में सबसे ज्यादा चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच डिजीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द बॉडी, देख लीजिए कौन से रोग शरीर के आयोडीन के कमी से होता है बता दीजिए, चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जिस बंदा ऑप्शन सी को चुना, गाइटर को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गला का रोग होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेयर इज द कदुकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड, देख लीजिए कदुकुलम न्यूक्लियर जो परमाणु ऊर्जा संस्था है वो कहाँ स्थित है बता दीजिए, चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जिस बंदा ऑप्शन, देखता हूँ कौन कौन बच्चा देता है यहाँ पे राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जिस बंदा ऑप्शन ए को चुना, तमिलनाडु को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, देख लीजिए भारत का सबसे बड़ा डैम जो है, लंबा बांध जो है वो कौन सा है बता दीजिए, चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। और बच्चों आप एक बात अच्छा तरह सुन लीजिए, आप UPSC का तैयारी नहीं कर रहे हो, आप कर रहे हो इंडियन आर्मी का तैयारी। इंडियन आर्मी में हार्ड होता है रनिंग, जो बंदा शेर की तरह डरता है उसका ही होता है इंडियन आर्मी का नौकरी। तो दोस्तों आप बहुत ही अच्छा तरह रनिंग तैयारी करो, उसके साथ साथ थोड़ा सा हल्का सा आप PPR लो, ये पढ़ाशना के लिए आपका एजुकेशन लिए थोड़ा सा तैयारी करो, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और ये इसी तरह ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे हार्ड नहीं पूछा जाता है। आप PBRCR का जो ओरिजिनल पेपर, ये तो ओरिजिनल पेपर से उठाकर ये क्वेश्चन बना दिया, बाहर से नहीं उठाकर बना दिया। इसीलिए आप सिर्फ ओरिजिनल पेपर देख ले गए तो आपका किस तरह क्वेश्चन पूछा गया वो आपका समझ आ जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बंदा थोड़ा सा तैयारी करेगा उसका क्लियर। तो दोस्तों इसीलिए
हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमारा जो नया नया पीडीएफ लॉन्च होता है एग्ज़ाम के पहले, तो दोस्तों 2023 के लिए जो एग्ज़ाम के लिए जो पीडीएफ लॉन्च हो गया है, जिस बंदा अभी तक नहीं लिया वो लेकर अच्छा तरह पढ़ो, उसके हेल्प से ही आपका एग्ज़ाम 100% क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ज़रूर कॉल कीजिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर है और लास्ट में नंबर एक बार दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट करके हमको कॉल करेगा। तो दोस्तों ज़रूर ले लीजिए, अच्छा तरह तैयारी कीजिए। 99 रुपया तो चॉकलेट का कड़ी ख़त्म कर देता है, लेकिन बच्चा ये लेकर अच्छा तरह पढ़ लिया तो आपका एग्ज़ाम 100% क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ज़रूर ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच इज़ द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बता दीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जिस बंदा ऑप्शन सी को चुना, हीराकुड डैम को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी, आपका उड़ीसा में स्थित है, ये भी जानकारी रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी। देख लीजिए गांधी जी का जो राजनैतिक गुरु कौन थे बता दीजिए, चलो ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जिस बंदा ऑप्शन बी को चुना, गोपाल कृष्ण गोखले को चुना, उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वाज द टीचर ऑफ गौतम बुद्धा। देख लीजिए गौतम बुद्धा का गुरु कौन थे बता दीजिए, चलो ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जिस बंदा ऑप्शन बी को चुना, अलारा कलम को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16 अक्टूबर में यह क्वेश्चन पूछा गया और PBRCR में तो अनलिमिटेड पूछा गया क्वेश्चन, यही सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट कर देता है बार बार। तो दोस्तों बता दीजिए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जिस बंदा ऑप्शन बी को चुना, ग्रीनलैंड को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, तो दोस्तों इंडियन मैटर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। देख लीजिए भारतीय शहीद दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है बता दीजिए, चलो ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जिस बंदा ऑप्शन 30 जनवरी को चुना, 30 जनवरी को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इज द राइट आंसर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, तो दोस्तों आप वीडियो देख रहे हो लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करो, बहुत ही दिल दुख होता है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दो और बहुत ही अच्छा लगे ये वीडियो को तो एक दिल से थम्स अप मार दो, लाइक कर दो। तो दोस्तों कर दो, छोटा भाई के लिए कर दो, हाँ कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, डेली के डेली आपका एक लाइक से बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, वही मोटिवेशन काम पे लगाकर डेली के डेली क्वेश्चन लेकर आता हूँ आपके लिए। तो दोस्तों जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोलर सेल कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू। देख लीजिए सोलर सेल सोलर ऊर्जा को किस में परिवर्तन करता है बता दीजिए, चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों सोलर एनर्जी, जो सोलर एनर्जी होता है वो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वैद्युतिक एनर्जी में परिवर्तन करता है, तो दोस्तों ऑप्शन बी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, तो दोस्तों रिकेट आर कॉस्ट बाई डिफिशेंसी ऑफ विच विटामिन। देख लीजिए रिकेट किस विटामिन के कमी से होता है बता दीजिए, चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जिस बंदा ऑप्शन डी को चुना, विटामिन डी होगा सही आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है इसी पेपर का। तो दोस्तों व्हिच पार्ट ऑफ बॉडी इज अफेक्टेड बाय जॉन्डिस। देख लीजिए पीलिया जो रोग होता है वो शरीर का कौन से अंग प्रभावित करता है बता दीजिए, चलो ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जिस बंदा ऑप्शन बी को चुना, सॉरी या फिर कोई बात नहीं ऑप्शन टू या बी को चुना, लिवर को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू इज द राइट आंसर। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन कैसे लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना, और इसी मंथ में या इसी मंथ के लास्ट में आपका वैकेंसी जरूर आएगा, बहुत ही अच्छा तरह तैयारी करो। और जिस बंदा अभी तक PDF नहीं लिया, इसी नंबर पे कॉल कीजिए, सभी जानकारी लेकर इसी नंबर पे पेमेंट करके आप ले लीजिए, बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है, आपका जिंदगी का सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेन बात है आपका पास पहुँचाना कुछ रुपया लेकर। तो दोस्तों हमारा अभी पेट है, कोई बात नहीं, आप जरूर कॉल कीजिए और ले लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।